नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अपनी इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग मान रही है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। देखो नेक्स्ट हेडिंग है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक अपन ने जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, अपन ने सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार तरीके के अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, सारा अच्छा सीखा अपन लोगों ने, न्यूमेरिकल किया, कैसे क्वेश्चन आते हैं सारी चर्चा आएंगी। अभी देखते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, या एबनॉर्मल टर्म ही क्यों काम में आई। वैसे जनरली एबनॉर्मल टर्म आप कहाँ काम में लेते हो, जहां पर कुछ अजीब सा होता है, कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड था, तो आपके लिए वो सब कुछ एबनॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मल का मतलब प्रैक्टिकल है, एबनॉर्मल का मतलब जो प्रैक्टिकली मिला वो एबनॉर्मल लगा लोगों को। एबनॉर्मल क्यों लगा, क्योंकि आपने जो थियोरेटिकली फॉर्मूले से जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला और प्रैक्टिकली निकाला तो डिफरेंट आया, तो बात एबनॉर्मल लगी। फॉर्मूले कुछ जगहों पर लग रहे थे, कुछ जगहों पर नहीं लग रहे थे, जहां नहीं लगे वहां पर एबनॉर्मल लगा था। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सारा नॉर्मल भी कैलकुलेट हो रही थी, और कहीं कहीं नॉर्मल कैलकुलेट होने का मतलब थियोरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू सेम आ गई थी, लेकिन कुछ जगहों पर थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू मैच नहीं की। तो जहां पर मैच नहीं की थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल मतलब जो फॉर्मूले से निकाली गई है, जहां पर ये मैचिंग नहीं हुई ना, तो यार लोग समझ गए यार कुछ अजीब सा है, कुछ एबनॉर्मलिटी आ रही है, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सी चीज आ रही है। तो लोगों ने इसको क्या नाम दिया, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, देखो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट गेट्स डिसोसिएट और एसोसिएट। मतलब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तब डिफाइन होती है जब सॉल्यूट या तो डिसोसिएट होता है या एसोसिएट। डिसोसिएट या एसोसिएट का मतलब अपने को पता है, डिसोसिएट का मतलब टूट जाना, एसोसिएट का मतलब आपस में दो पार्टिकल जुड़ के कंबाइंड मॉलिक्यूल को फॉर्म करना, ठीक है। तो यदि पार्टिकल जो सॉल्यूट के पार्टिकल डिसोसिएट होते हैं एसोसिएट होते हैं, तो फिर उसको क्या बोला जाएगा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अदरवाइज वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कौन नाम दिया गया, प्रैक्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट की जाती थी पहले, क्योंकि फॉर्मुले जो थे वो थियोरेटिकली वैल्यू देते थे, केवल नॉर्मल जो जिसमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा था, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ही अप्लाई होते थे, लागू होते थे। फिर लोगों ने क्या किया, हाँ इस चीज के फिर देते हुए कैसे, मतलब अपन समझ सकते हैं जैसे NaCl है, मतलब इस चीज की फील लेना कैसे यार एबनॉर्मल क्यों नाम रखा। मैंने 1 मोल NaCl पानी मिलाया, और ये 100% आप मान लो डिसोसिएट होता है, तो पानी में जाएगा तो Na प्लस देगा, एक्वस, और Cl माइनस देगा एक्वस, ठीक है। ये 1 मोल पूरा खत्म होगा NaCl के पानी के अंदर, तो ये 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल बनेगा, ठीक है। तो इस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन होगी सॉल्यूशन की, तो उसको क्या नाम दिया गया, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जब आपने NaCl मिलाया। लेकिन अपन ने जितने भी एग्जाम्पल पहले लिए थे उसमें कभी NaCl नहीं मिलाया, कभी MgCl2 नहीं मिलाया, कभी ऐसा कोई सॉल्यूट नहीं मिलाया जो एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा हो। अपन ने जनरली सारे क्वेश्चन में या तो यूरिया कब मिली है या ग्लूकोज कब मिली है, और वो भी एक्वस सॉल्यूशन है, जो कि वहां पर ना तो डिसोसिएट होते हैं ना ही एसोसिएट होते हैं। चलो तो एक चीज देखो, इसका यदि 1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन मिलाते हैं, कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, और वो किसी टी टेम्परेचर पे, तो एक चीज देखो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा, 1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में तो जो कंसेंट्रेशन है वो नहीं आ गई, आर इंटू टी। आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, आर टी, इसका क्या आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, सही है। जबकि जब लैब के अंदर प्रैक्टिकली चेक किया गया तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आया था 2 RT। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है और ये थियोरिटिकल वैल्यू। ये थियोरिटिकल वैल्यू इसलिए क्योंकि अपन ने फॉर्मूले से निकाला है, क्योंकि NaCl का अपन ने 1 मोल मिलाया तो मोल ऑफ सॉल्यूट 1 रख दिया, तो 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो 1 लीटर लिया था, आर और टी जो वैल्यूज दे रखी रख दी होगी, तो इससे पाई इक्वल्स टू आर टी है। थियोरिटिकल वैल्यू जब प्रैक्टिकल लोगों ने चेक किया तो इसका 2 RT वैल्यू। सर आपने कैसे पता किया इसका प्रैक्टिकल वैल्यू 2 RT है, आपने याद किया था या नहीं, क्योंकि मैंने अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से दिमाग में फॉर्मूले सेट कर लिए हैं। इसका मतलब या तो ये फॉर्मूला गलत है, पाई इक्वल्स टू 3 RT, गलत मतलब पूरा सही नहीं एक तरह से, कि ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में लग नहीं रहा, ये बात हो सकती है, या फिर अपन ने आधी खोज की, पूरी खोज ही नहीं की, अब तक आधा ही डिस्कवरी हुई है। तो लोगों ने सोचा है जहां डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है वहां पर ये फॉर्मूला वैलिड कैसे होगा, नॉर्मली तो सही था, प्रैक्टिकल थियोरिटिकल सारा डेटा सही आ रहा था, तो फिर जहां डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है वहां पर कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, वॉन्ट ऑफ नाम के आदमी ने नया
अपना एक मल्टीप्लाई या फिर ऐसा एक कॉन्स्टेंट डिफाइन किया जिसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक सॉल्यूट के लिए अलग अलग। तो उसके लिए उसने एक फॉर्मूले डिजाइन किए जो अपने को याद होने चाहिए एग्जैक्ट जैसे लिखे हैं एकदम बढ़िया साफ सुथरे। साफ सुथरे लिखे हुए ना वैसे साफ सुथरे आपके दिमाग में सेट होने चाहिए ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है देखो, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। हो सकता है डिसोसिएशन हो रहा हो या फिर एसोसिएशन हो रहा हो। जैसे सोल्यूट पार्टिकल थे वो डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं और पहले कितने पार्टिकल थे उन दोनों का रेशियो देख लो। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और दूसरा ये मतलब डिवाइड बाई क्या करना है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जैसे ये एनएसीएल देखो, एनएसीएल के लिए आई क्या आएगा, डिसोसिएशन के बाद दो पार्टिकल नहीं हो गए क्या, पहले एक पार्टिकल था तो टू डिवाइड बाई वन नहीं हो गया क्या, आई का वैल्यू टू नहीं आ गया क्या। अब ये सर आई क्यू निकालना सीख रहे हैं क्योंकि जो बचे हुए जो अपन प्रैक्टिकली फॉर्मुलों की चर्चा कर रहे हैं ना जहाँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी प्रैक्टिकल डेटा के साथ मैच नहीं कर रही थी उन फॉर्मुलों को सही कर रहे हैं ताकि वो प्रैक्टिकल डेटा के साथ मैच कर जाए, वो काम कर रहे हैं अपन लोग ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है देखिए, ये भी फॉर्मूला काम में आएगा बहुत सारी जगहों पर, ये फॉर्मूला भी काम में आएगा बहुत सारी जगहों पर, और ये फॉर्मूला भी काम में आएगा बहुत सारी जगहों पर। तीनों फॉर्मूले एज इट इज याद होना चाहिए वांट ऑफ फैक्टर के जो संबंध दिए थे। सेकेंड है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन क्या देगा सामने वाला इस टाइप के क्वेश्चन में, यदि प्रैक्टिकली ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 2 RT आई है, वो दे दिया सामने वाले ने, तो बताइए इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या है। तो प्रैक्टिकल जो है वो ये एबनॉर्मल है तो 2 RT यहाँ पर पुट कर दो, नॉर्मल जो आप फॉर्मूले से निकालते हो RT 2/1 नहीं आ जाएगा क्या, इससे भी 2 वैल्यू आ रही है एनएसएल के लिए, इससे भी 2 ही आ रही है, मतलब दोनों फॉर्मूले सेम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जैसे अपन ने एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका मोलर मास के रेस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट फॉर्मूला है क्या, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। देखो वैसे भी हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना वो सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखो जैसे पाई इज गोइंग टू CRT है, इससे चर्चा करते हैं अपन लोग। सी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी बोलता हूँ जनरली सॉल्यूट को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गोइंग टू पाई RT, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या हो गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू RT इज गोइंग टू पाई। क्या पाई मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आ गया है क्या, जो रिलेशन अपने को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में दिखा है वही मोलर मास में जस्ट ऑपोजिट रिलेशन अपने को दिखने वाला है। तो ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तीनों तीनों, और जो लिखा है अभी तक तो आप लोग याद रखें बढ़िया से। तो क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या होती है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या डिफरेंस है दोनों, वो सीखा है, और एक वांट ऑफ फैक्टर सीखा है तो कैसे काम करेगा नए एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अपन फॉर्मूले से निकाल पाए जो प्रैक्टिकल डेटा आता है जहां पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा हो ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, अब सीखते हैं इन फॉर्मुलों को अप्लाई कैसे करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला तो लिख लिया अपन लोगों ने लेकिन ये काम कैसे करता है वो भी तो सीखना पड़ेगा अपने को। चलो देखो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ आई, कैलकुलेशन ऑफ आई लिख दो या कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर लिख दो। चलो तो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसके लिए दो केस है डिफरेंट, यानी कि दो जगहों पर इसको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला फॉर डिसोसिएशन और दूसरा अपन चर्चा करेंगे फॉर एसोसिएशन। मतलब इसको डिसोसिएशन के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं और एसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब क्या है, डिसोसिएशन का मतलब व्हेन सॉलिड पार्टिकल गेट डिसोसिएट। पार्टिकल गेट डिसोसिएट, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन लोग, जैसे NaCl दिया था, Na+ और Cl- में डिसोसिएट हुआ था, MgCl2 किस में होगा, Mg+2+2Cl-, और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा, वेन सॉल्यूट पार्टिकल गेट एसोसिएट।
चलो इसका एग्जांपल क्या है? इसका अच्छा एग्जांपल है, बेंजीन के अंदर जब आप एसीटोन मिलाते हो तो एच बॉन्डिंग के कारण वो डाइमराइज हो जाता है एसीटोन। कैसे? CH3COOH एसीटोन के दो पार्टिकल कन्वर्ट हो जाते हैं CH3COOH ट्वाइस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कौन से मीडियम है? बेंजीन के, है ना, बेंजीन का मीडियम काम में लिया गया है। तो BZ या BN जो भी लिखना चाहे, जैसे एक्वस के लिए एक क्यू काम में लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं इसका कैलकुलेशन या फॉर्मूला। फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। तो इसके आई के लिए फॉर्मूला कैसे डिजाइन करेंगे वो देख लो। इस पर भी दो डिफरेंट केस है। फॉर्मूला पहले बनाने के लिए एक में जरूरत पड़ेगी, जबकि दूसरे केस में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला केस क्या है? व्हेन अल्फा इज 100%। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम पर पढ़ा है, जो अपन ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, NaCl है जो टूटता है तो Na प्लस प्लस Cl माइनस देता है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, 100%। तो I क्या आ जाएगा? डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल, और डिसोसिएशन से पहले, यही तो था फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन दो हो गए, बिफोर डिसोसिएशन कितना था? एक। कैसे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, AlCl3। इसमें क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम प्लस थ्री सीएल माइनस आई कितना हो जाएगा? बाद में कितने? तीन तो क्लोराइड आयन हो गए और एक एल्यूमिनियम, तो चार हो गए, और पहले कितने थे? एक। तो इसके लिए आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? फोर। ठीक है, इसके लिए आ गया टू, इसके लिए आ गया फोर। नेक्स्ट चर्चा करते हैं केस टू। केस टू में क्या बोलूंगा मैं? जब व्हेन अल्फा नॉट इक्वल्स टू 100% हो या लेस देन 100% हो। ठीक है, इसके लिए क्या केस लेते हैं? देखो, जैसे कोई भी सब्सटेंस ए है जो कि एन पार्टिकल, जैसे ए एन है, मतलब ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स, वो डिसोसिएट हो रहा है एन ए में, समझ गए? यदि दो है यहां पर तो ये दो में टूट गया, तीन है यहां पर तो इसका मतलब तीन में टूट गया। ठीक है, तो एन में टूट जाता है। तो एन कहां, एन क्या है यहां पर? जितने पार्टिकल वो प्रोडक्ट में जाके टूटता है, क्योंकि एन का वैल्यू पता होना जरूरी है जो काम में आएगा। एन का वैल्यू क्या है? जितने में वो डिसोसिएट होता है, जैसे यहां पर एन का वैल्यू दो हो गया, यहाँ पर एन का वैल्यू कितना हो गया? चार हो गया, जितने वो आगे जाके डिसोसिएट हो वो एन का वैल्यू है। ठीक है, चलो इसके इनिशियली ए मोल लेता हूँ, ए माइनस ए अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो काम ले लिया एन ए अल्फा। ठीक है, जब ये अल्फा टूटेगा तो इससे कितना बनेगा? एन ए अल्फा बनेगा। ठीक है, आई का फॉर्मूला क्या है? पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, है ना, और सोल्यूट के लिए जाते हैं। तो ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा डिवाइड बाई क्या करना है? ए आई इज इक्वल्स टू, अब इसमें क्या आ जाएगा? ए कॉमन आ जाएगा, तो ए ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो टर्म क्या बचेगी? वन प्लस अल्फा एन माइनस वन। कैसे लिखा? ए कॉमन आके ऊपर नीचे से काट दिया तो यहां पर वन बच जाना है, और इन दोनों में अल्फा कॉमन ले लिया तो एन माइनस वन नहीं आ गया क्या? ठीक है, अब देखो, एक तो आई का ये फॉर्मूला बोल देने, तो इससे अच्छी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो अपने को याद करनी है वो लिखता हूं। ठीक है, इस अल्फा को ये रखता हूं, इस आई को यहां लेके जाता, तो अल्फा क्या आ जाएगा? आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अब चाहो तो अल्फा निकाल लो आई से, या आई से अल्फा साई निकाल लो, मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि काम में ही फॉर्मूला आता है। आगे बात समझ में? चलो अब बात करते हैं एसोसिएशन के केस में। तो एसोसिएशन के केस में क्या हो जाएगा? एसोसिएशन के केस में दो वापस बातें होगी। फर्स्ट केस में क्या बोलूंगा? व्हेन 100% हो अल्फा। अब 100% अल्फा का यहां पर क्या मतलब हो गया? व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 100%। 100% का मतलब ये हुआ कि कंप्लीटली डाइमराइज होगा, या कंप्लीटली ट्राइमराइज होगा, या कंप्लीटली टेट्रामराइज होगा। ठीक है, कुछ परसेंट में नहीं होगा। देखो इसका एग्जांपल देखो, समझते हैं। जैसे ए टू ए है, वो कंप्लीटली एटम कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई इक्वल्स टू, बाद में कितने पार्टिकल हो गए? एक। पहले कितने पार्टिकल थे? दो। तो बाद में हो गए एक पार्टिकल, पहले थे दो।
दो पार्टिकल, इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है डाइमराइज, क्योंकि दो पार्टिकल आपस में कंबाइंड हो गए हैं। ठीक है, यदि तीन पार्टिकल आपस में कंबाइंड होते तो A3 बना लेते हैं, और इसके लिए I का वैल्यू कितना आ जाता है, 1/3, क्योंकि पहले कितने थे और बाद में कितने, वही तो देखना है। तो बाहर आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन पार्टिकल कितने हो गए, एक, और बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितना है, तीन। अपन यही फॉर्मूला काम में ले रहे हैं सब जगह, कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल हुए सोल्यूट के, डिवाइड बाई पहले कितने पार्टिकल थे सोल्यूट के। तो डिसोसिएट होने से पहले तीन पार्टिकल हुआ करते थे, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी तो अब एक पार्टिकल नहीं बचेगा क्या, आफ्टर एसोसिएशन। इसको बोलते हैं ट्राइमराइजेशन। वैसे ही टेट्रामराइजेशन वगैरह आगे अपन एग्जांपल ले सकते हैं। अब चलते हैं केस सेकंड की तरफ। केस सेकंड सेम सा अपने को पता है, व्हेन अल्फा नॉट इक्वल्स टू 100%, जब अल्फा 100% ना हो तो कैसे चलेगा काम। तो देखो वापस इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, इसकी रिवर्स नहीं आ जाएगी क्या, यहां पर एक पार्टिकल एन में टूटा है, यहां पर एन पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होंगे क्या। ठीक है, वापस इनिशियल मोल कितने ले लिए, ए, इनिशियल पार्टिकल ए ले लिए, ए माइनस ए अल्फा, यहां पर कितना आ जाएगा, ए अल्फा डिवाइड बाई एन। ये क्यों आया देखो, इसके एन पार्टिकल से इसका एक पार्टिकल बनता है, तो इसके एक पार्टिकल से इसके 1/n नहीं बनेगा क्या, और इसका कितना डिसोसिएट हुआ, कितना खत्म हुआ है, ए अल्फा खत्म हुआ है ना, तो एक से इसका 1/n बनता है, तो ए अल्फा से कितना बन जाएगा, 1/n इंटू ए अल्फा। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट देखो, ये समझ में आ गया होगा कैसे, एन से एक पार्टिकल बनता है तो एक पार्टिकल से इसका कितना बनेगा, 1/n, और ए अल्फा से कितने पार्टिकल बने, ए अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1/n। ये सिंपल सी चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मोल में बहुत बार इसको अपन काम में लेते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद वापस आई का फॉर्मूला लगाते हैं। आई का फॉर्मूला क्या बोलता है, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, तो देख लो कितने हो जाएंगे, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई एन, और बिफोर कितने थे, ए थे, ये कितना जाना है, वापस वही टर्म बनेगी, 1 प्लस अल्फा कॉमन आ जाएगा, 1/n माइनस 1 कॉमन आ गया, तो टर्म जो बनेगी अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन 1/n माइनस 1। अब देख लो यहां पर इस फॉर्मूले में क्या चीज कौन सी है जो तुम्हें याद करनी है, तो देख अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, आई वांट ऑफ फैक्टर 1 ए कांस्टेंट वैल्यू, एन क्या है जितने पार्टिकल वो डिसोसिएट हो रहा है, और 1 ए कांस्टेंट वैल्यू। यहां पर देख देख एक जैसा फॉर्मूला है, सिमिलर टर्म अपन ने एक्सप्लेन किया इसको, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और यहां पर आई क्या है वांट ऑफ फैक्टर 1 ए कांस्टेंट वैल्यू 1/n, यदि डाइमराइज हो रहा है तो 1/n की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ट्राइमराइज हो रहा है तो 1/n की 1/3 हो जाएगी वैल्यू, और टेट्रामराइज में 1/n की वैल्यू 1/4, मतलब n का मतलब कितना है, उसके कितने पार्टिकल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, यहाँ पर n की वैल्यू ये है, देख लो ये n की वैल्यू है जो यहाँ पर अपने को पुट करने, कितने पार्टिकल कंबाइंड हो रहे हैं, और यहाँ पर n की वैल्यू कितने कितने पार्टिकल वो टूट रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। अब इस पे कुछ एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, अब एक चीज सोचो, ये जो NaCl का अपन ने बात की है कि NaCl 100% डिसोसिएट हो रहा तो आई की वैल्यू ये आई है, यदि मैं बोलता हूँ 100% डिसोसिएट नहीं होता NaCl, 50% ही होता तो NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी आती, देख लो अल्फा कितना है, मतलब ये एग्जांपल करा रहा हूं मैं तुम लोग किस चीज के लिए, अल्फा एग्जांपल कराते हैं। देखो यदि NaCl के लिए आई कितना होगा, यदि इसका अल्फा 50% है, ठीक है ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो तो अल्फा की वैल्यू 50%, मतलब वैल्यू कितनी आएगी फ्रैक्शन में, 0.5, क्योंकि अपने को परसेंट नहीं रखना, फ्रैक्शन वैल्यू रखनी, परसेंट रखना होता तो यहाँ पर परसेंट लिखता है यहाँ पर। ठीक है, 0.5 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू अपने को निकालनी है, माइनस 1 अपॉन एन की वैल्यू कितनी, NaCl कितने पार्टिकल में टूटेगा, दो पार्टिकल में, 2 - 1, भाई कितना आ गया 1.5। अब एक चीज देखो, अपन को वैसे जनरल इस मेथड से करके देखते हैं, अपन इस फॉर्मूले के बिना ही करते हैं, मेथड लगा के, मेथड से कैसे करेंगे, NaCl यदि टूटता है तो Na प्लस प्लस Cl माइनस देगा। ठीक है, इनिशियली इसके A मोल मान लेते हैं, इनिशियली A मोल है,
जो कि इसका 50% डिसोसिएट हुआ, तो ए बाई टू डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ पर ये बाई टू बनेगा और यहाँ पर ये ए बाई टू बनेगा। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया, जितना रह गया प्लस जितना बन गया है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो कितना आ गया, ए माइनस ए बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस ए बाई टू अपॉन ए, इसे कट जाना है। तो ऊपर क्या बन गया, थ्री ए बाई टू, नीचे क्या आ गया, ए बाई केवल ए, तो 3/2 वैल्यू 1.5 नहीं आ गई क्या, चेक कर लो दोनों से वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब अपने जो फॉर्मूला बनाया है वो बिल्कुल सही है, आप प्रैक्टिकली वैसे करके देख लो। हाँ, इस केस के लिए चर्चा कर लेते हैं अपन लोग, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बेंजीन का डाइमराइजेशन 50% ही होता, ठीक है, यदि बेंजीन का डाइमराइजेशन 50% ही होता तो मैं क्या बोलता, एग्जाम्पल, जो बेंजीन के अंदर एसीटोन का डाइमराइजेशन है वो कितना हुआ, 50% ही होता है, एल्फा 50% दे दिया, तो ये आई पूछ रहा है, तो कितना आएगा, एल्फा 0.5 इजल्स टू आई माइनस वन अपॉन 1/2 - 1, सही है। तो देखो यहाँ पर 1/2 नहीं रह गया क्या, 1/2 वो भी माइनस का, ठीक है, तो टर्म क्या बनेगी, 0.5 इज गोज टू आई माइनस वन अपॉन माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 मतलब माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 0.25 बन जाएगा, तो आई माइनस वन इज गोज टू माइनस का 0.25, तो आई कितना आ जाएगा, 1 इधर जाएगा तो 0.75, ये आई की वैल्यू आ गई। आगे बात समझ में, तो ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट है काम का, जब कभी भी डिसोसिएशन होगा, कभी भी डिसोसिएशन का केस आएगा तो कंफर्मेशन में आई का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, ये ध्यान रखें पॉइंट, और एसोसिएशन के लिए फिक्स आई का वैल्यू कितना आएगा, 1 से कम आएगा, ठीक है। चलो, और ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना ही एसोसिएशन हो रहा है, तो उस केस को कहां रखेंगे, उसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो आई के लिए सारी चर्चा कर ली है, अब अपन देखते हैं यार, अब फॉर्मुलों में क्यों ना करेक्शन किया जाए, जो फॉर्मुले गलत थे उसको सही किया जाए, ठीक है। तो अब करेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मुले निकालते हैं, उसको समझते हैं कैसा इसमें काम में आ रहा है और कैसे अपन फॉर्मुले सही निकालेंगे, ठीक है। यार फॉर्मुले जो अपन ने पढ़े हैं ना एक्चुअली वो अब काम में नहीं आएंगे, अब जो नए फॉर्मूले बनेंगे वो सारी जगह क्वालिटी प्रॉपर्टी में काम में आएंगे। तो सर पहले गलत आंसर क्यों नहीं आए थे, अरे पहले गलत इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वहां पर वो वैलिड थे, लेकिन अब जो नए क्वेश्चन आएंगे वहां पर ये वैलिड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलो अब एक चीज देखो, फॉर्मूलेशन न्यू फॉर्मूलेशन, नए फॉर्मूले कर रहे हैं अपन, तैयार कर रहे हैं। अब एक चीज देखो कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी था, आप ध्यान से देखना है फॉर्मूला जो बना रहा हूं, ठीक है, ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, ठीक है। अब आपने जब एनएचसीएल लिया तो एनए प्लस प्लस सीएल माइनस, वापस इसका 1 मोल से चर्चा करता हूँ और 1 लीटर सॉल्यूशन में बात करता हूँ, तो पाई इज इक्वल टू 1 मोलर आर टी हो जाएगा इसकी वैल्यू। जबकि मैंने कहा कि ये तो थियोरिटिकल डेटा है जो आपका फॉर्मूला है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल वैल्यू कितना आया, प्रैक्टिकल वैल्यू कितना आया, 2 RT नहीं आया क्या, डबल नहीं आया, क्यों ऐसा क्यों हुआ, डबल क्यों है वो चर्चा करते हैं। देखो अपन ये सोच रहे थे कि NaCl जो है वो अकेला एक पार्टिकल जो है, क्योंकि अपने को दिमाग तो था नहीं, अपन बस इतना ही सोचा कि जो सोल्यूट के, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यही है, विच डिपेंड्स अपॉन सॉरी विच डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, तो सॉल्यूट पार्टिकल का रिलेटिव अमाउंट तो चेंज होता है जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा हो। जैसे इसमें आप 1 मोल लेते हो तो क्या NaCl जब पानी में जाता है तो उसका 1 मोल ही रहता है क्या, नहीं, जब ये पानी में जाएगा तो 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्यूट पार्टिकल जो था 1 मोल ये बनेगा और 1 मोल ये बनेगा, इसका मतलब सॉल्यूट पार्टिकल 1 मोल नहीं रहता, सॉल्यूट पार्टिकल हो गए 2 मोल, इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूट के पार्टिकल है ना वो आई टाइम्स ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। देख लो यहां पर सी जो था, यहां पर जो कंसेंट्रेशन थी आपने जो रखी थी, यहां पर 1 रखी थी जबकि यहां पर डबल आ रहा है क्योंकि ये डबल पार्टिकल हो गए थे, आ रही है बात समझ में। तो एक्चुअली आपको फॉर्मूले और कहीं चेंज नहीं करना, जो एक्चुअली जो विजिबल हो रहा है, चेंज क्या विजिबल हो रहा है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल है
वो डबल हो जाते हैं जब मतलब दो पार्टिकल में टूटता है, यदि तीन पार्टिकल में टूटता है तो ट्रिपल हो जाता है। मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल आई टाइम्स हो जाते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू वही तो है वो कितने टाइम पार्टिकल में कन्वर्जन होता है। आगे बात समझ में? तो देख लो, सपोर्ट करके देखो ये 2 RT आता है या नहीं आता। यहाँ पर आई की वैल्यू एनएसी कितना था, आई का वैल्यू 2 था, तो 2 × इसकी कंसेंट्रेशन 1 हो गई, ठीक है, × RT देख लो। तो मतलब मेरे को NB को INB से रिप्लेस करना, बस इस चीज को इस फील को चखो यार कि NB को INB से तो रिप्लेस करना है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में इफेक्ट डालते हैं सब जगहों पर, और सब फॉर्मुलों पर ही वो सारी साफ साफ विजिबल होता है। तो क्यों ना सॉल्यूट के पार्टिकल जो है वो चेंज होते हैं, तो वही एक चीज है जो फॉर्मुला में चेंज करनी है। और चेंज करके करनी भी क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई तो करना है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर एक्चुअली इसको डिस्कवर इसलिए किया गया था ताकि जो सॉल्यूट पार्टिकल कितने गुना हो जाते हैं, कितने में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो चीज विजिबल हो, वो चीज अपने को दिखे, ठीक है। चलो तो अब देखो, अपन जो फॉर्मूले हैं जितने भी नए हैं वो एक साथ लिखते हैं। बस कंसेप्ट क्या है, NB को INB से रिप्लेस करना है। अब देखो NB को INB से रिप्लेस करते हैं, कैसे करेंगे? देखो NB को किससे रिप्लेस करना है, INB से रिप्लेस करते हैं। तो देखो कैसे करना है, जैसे पाई इज इक्वल्स टू CRT था, ठीक है। CRT क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन × RT इज इक्वल्स टू पाई। अब देख पाई इज इक्वल्स टू NB को INB से रिप्लेस किया, तो INB अपॉन VRT नहीं हो गया क्या? और पाई इज इक्वल्स टू NB अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अभी भी कंसेंट्रेशन ही है, तो I × CRT नहीं हो गया क्या? क्या नया फॉर्मूला नहीं आ गया क्या? पाई इज इक्वल्स टू CRT नहीं, ICRT। आगे बात समझ में? नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, ये तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में चर्चा कर ली। दूसरा चर्चा करते हैं अपन लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू MKB। एम क्या था, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास इन kg, ठीक है, × KB कांस्टेंट वैल्यू है। NB को आपने INB से प्लेस किया, तो INB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी × KB। क्या वापस ये टर्म जो है मोलैलिटी नहीं है क्या? और आई तो सेपरेट पड़ा है, तो डेल्टा TB क्या आ गया, आई IM KB। हु आर यू, IM KB। समझ आ गई बात? अब आपको चाहो तो फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं, थर्ड अपना समझ आ गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, डेल्टा TF, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू IM KF। हु आर यू, IM KF, कैटरीना कैफ, IM KF। आगे बात समझ में? ठीक है चलो। और फोर्थ केस क्या जाएगा, RLVP का, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का। तो RLVP क्या हो जाएगा, RLVP क्या था याद है कुछ, P0A माइनस PS अपॉन P0A, ये था RLVP इज इक्वल्स टू XB था। XB की जगह क्या हो जाएगा, IXB। सही है? नहीं है, आपको NB को INB से रिप्लेस करना था, XB को IXB से नहीं। आगे बात समझ, ये चीज गलत है। आपको कैसे करना है, देखो RLVP इज गोज टू P0A माइनस PS अपॉन P0A इज गोज टू INB अपॉन INB प्लस NA। टोटल मोल्स पुट करोगे ना, तो टोटल मोल में क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो एक तो है जैसे जैसे रख दिया, दूसरे में INB नहीं आ जाएगा क्या सॉल्यूट के लिए? तो ये क्या बन गया, एक और फॉर्मूला बनाया था RLVP के साथ याद है, P0A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू INB अपॉन NA। वहां पर NB अपॉन NA लिखा था, तो एग्जैक्ट एक्चुअल फॉर्मूला था। अब ध्यान रखना, आप कहीं पे भी काम में लो ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब तो ये फॉर्मूले सही पता है क्यों आ रहे थे, क्योंकि अपन ने जो भी सोल्यूट काम में लिए थे ना, वो ना तो डिसोसिएट हो रहे थे ना ही एसोसिएट हो रहे थे। उस केस में आई का वैल्यू सबके लिए 1 था, और 1 से मल्टीप्लाई करो नहीं करो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, इसलिए जो वैल्यूज आ रही थी वो सेम आ रही थी। चलो अब नेक्स्ट अपन न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं।